हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने 8 नंबर के कान्हा जी लिए हैं और 6 नंबर के कान्हा जी लिए हैं। तो ये ड्रेस मैं आपको दोनों को पहना कर दिखाऊंगी। ड्रेस एक ही है लेकिन हम दोनों को पहना सकते हैं। और पूरे वीडियो में मैंने बाल गोपाल जी का नाप लेकर ये ड्रेस बनाया है और पूरे वीडियो में स्टेप बाय बताया है। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर के कान्हा जी लिए हैं। तो ये ड्रेस हम 6 नंबर के कान्हा जी को पहले पहनाएंगे। तो देखिए, पूरा फिनिशिंग के साथ है और पहनाना भी बहुत ही इजी है। गाइज, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के अलग अलग तरीक़ों से ड्रेस और ज्वेलरी के वीडियोस बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, कितना इजी है पहनाना ये ड्रेस। हम रात को बाल गोपाल जी को नाइट ड्रेस में भी पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए गाइस, कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह से मैं आपको 8 नंबर के कान्हा जी को भी ये पहना कर बताऊंगी। तो देखिए, परफेक्ट नाप आया है। अब हम ज्वेलरी पहनाएंगे। तो ये नेकलेस और कंगन्स और एयरिंग्स का इसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको इस तरह की ज्वेलरी बनानी है तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये प्यारे से कंगन, ये भी हम बाल गोपाल जी को पहनाएंगे। नेकलेस मैंने किस्टन मोती से बनाया है और कंगन मैंने जेको मोती से बनाया है। और ये पदक बाजार में 1 रुपये के मिल जाता है। तो बहुत ही इजी तरीके से नेकलेस बन जाता है। मैं इनको भी पहनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 8 नंबर के कान्हा जी लिए, साथ में अंडरवेल भी बन जाता है। देखिए गाइज, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है और फिनिशिंग भी बढ़िया है। तो देखिए, साथ में अंडरवेल भी बन जाता है। आप चाहो तो ऐसे ही पहना भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। तो इसकी हम अंडरवेल भी बनाएंगे और चोली भी बनाएंगे। तो इस तरह से ट्रिपल फोल्ड करना है और अच्छी तरह से सेट करके फिर टिच करना है ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए, कुछ इस तरह से मोड़ कर हम पूरी स्ट्रिप में टिच कर लेंगे। तो ये हमारी टिच हो गई है। अब हम इनके ऊपर ये लेस को टिच करके अटैच कर देंगे ताकि हमारी सिलाई ना दिखाई दे और हमारे चोली और अंडरवेल की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है गाइस। कहीं दीदी का कमेंट आता है कि आप 0 नंबर के कान्हा जी के भी ड्रेस बनाकर बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको 0 से 10 तक के लड्डू गोपाल जी के ड्रेस देखने को मिलेंगे। तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम दोनों किनारों को मिलाएंगे और यहाँ पे टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीके से हम ये ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, धागा भी कट कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हमारी चोली और अंडरवेल दोनों बनके रेडी है। अब हम कमर पर इस तरह से इस लेस का ही यूज़ करके दूरी बना लेंगे और इस तरह से टिच कर लेंगे। जितनी ज़रूरत है उतना रखेंगे और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे अंडरवेयर और चोली बनी।